Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. So today we are going to discuss about the 10 MCQ on basic physics. Ye MCQ video 8 hai. Please watch the previous video also before attempting this. So let's begin. Question number 1 hai. Which of the following is not considered as a force? Yani ki isme se option mein se kaun sa force nahi kehlata? इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक, इलेक्ट्रिसिटी और स्ट्रॉन्ग. तो राइट आंसर होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारा फोर्स की कैटेगरी में नहीं आता. अदर देन दैट बाकी सभी फोर्सेस में आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस. ये होते हैं फोर्सेस के मैनी मैनी टाइप्स. इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following is not a unit of energy? इनमें से कौन सा यूनिट नहीं है एनर्जी की? ऑप्शन ए है अर्ज, फिर ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी वॉट और ऑप्शन डी कैलोरी. तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी वॉट. वॉट हमारी एनर्जी की यूनिट नहीं होती. एनर्जी की यूनिट बाकी सभी हैं, जैसे कि अर्ज, जूल और कैलोरी. वोट हमारी पावर की यूनिट होती है. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू एन एनोड. अब कौन सा ज़्यादा मटेरियल या कौन सा इन ऑप्शन में से है जो एनोड से सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है? तो ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी पॉजिट्रॉन. तो राइट आंसर हमारा इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली. क्वेश्चन नंबर 4 है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली हैव द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा लंबी वेवलेंथ होती है? ऑप्शन ए है गामा रेज, ऑप्शन बी माइक्रोवेव्स, ऑप्शन सी रेडियो वेव्स या ऑप्शन डी अल्ट्रावायलेट. तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रेडियो वेव्स. क्वेश्चन नंबर 5 है. फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग फोटोन एनर्जी. यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फोटोन एनर्जी के साथ साथ क्या बढ़ता है? वेवलेंथ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी, चार्ज या मास? तो आपको इनमें से बताना है. तो आंसर होगा हमारा इनमें से, जैसे कि फोटोन एनर्जी है उसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अगर बात करें तो. हम इंक्रीज फोटोन एनर्जी, फोटोन एनर्जी होती है, एक तरह से फोटोन होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 6. लीकेज रेडिएशन शुड नॉट एक्सीड. जो हमारी लीकेज रेडिएशन है वो इस एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो 1 मिलीग्रे से, 10 मिलीग्रे से, 100 मिलीग्रे या 1000 मिलीग्रे. तो राइट आंसर है हमारा 1 मिलीग्रे से ज़्यादा लीकेज रेडिएशन हमारी नहीं होनी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7. द पर्पज ऑफ एक्सरे ट्रांसफॉर्मर इज मोस्ट लाइकली टू चेंज दी. यानी कि एक्सरे जो ट्रांसफॉर्मर है उसका पर्पज क्या होता है, किस चीज़ को वो चेंज करता है? मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक वोल्टेज को, पावर लेवल को या करंट इंटेंसिटी को? तो हमारा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज को. यानी कि जो लो वोल्टेज है लो से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ये हमारा एक्सरे ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग कैटेगरी में आता है. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सरे जनरेटर. कौन सा इनमें से टाइप है जो एक्सरे जनरेटर में एक तरह से टाइप नहीं है? सिंगल फेज, डबल फेज, 6 पल्स और 12 पल्स. तो राइट आंसर होगा हमारा इसमें डबल फेज जो हमारा जनरेटर है वो एक्सरे जनरेटर की टाइप में या एक्सरे जनरेटर के टाइप्स में नहीं आता हमारा. क्वेश्चन नंबर 9. इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू मैटर लूज एनर्जी प्राइमली बाय प्रोड्यूसिंग. तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मैटर से पास हुआ, उसने अपनी एनर्जी लूज कर दी और वो एक तरह से एक्सरे प्रोड्यूस करता है. तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ब्रेमस्टेलिंग, करेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे, एटॉमिक आयनाइजेशन या फोटो इलेक्ट्रॉन. तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एटॉमिक आयनाइजेशन. तो क्या होगा ये एटॉमिक आयनाइजेशन? एक प्लेस पे वैकेंसी क्रिएट कर देना.
क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज लाइकली टू हैव द लार्जेस्ट वेवफॉर्म रिपल, यानी कि जो ये जनरेटर हैं उनमें से किसका सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वेवफॉर्म रिपल होता है, जिसमें कांस्टेंट पोटेंशियल हो, हाई फ्रीक्वेंसी हो, सिंगल फेज हो या सिक्स पल्स हो। तो राइट आंसर होगा हमारा सिंगल फेज जनरेटर में सबसे लार्जेस्ट वेवफॉर्म रिपल होता है। तो ये थे हमारे 10 MCQ ऑन बेसिक फिजिक्स। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।